my kitchen. My name is Nalini. Today I will make for you a cheese garlic toast. And again, it is very easy and very tasty. So, चलिए देखते हैं कैसे ये बनता है. मैंने यहाँ दो स्लाइस ब्रेड के लिए हैं. ये व्हाइट ब्रेड है, आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं. यहाँ हमने मोज़रेला जो है एक कप लिया है, इसको ग्रेट कर लिया है. बटर लिया है एक छोटी कटोरी. लहसुन 3 से 4 हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है. रेड चिली फ्लेक्स लिया है एंड मिक्स हर्ब्स लिया है. आइए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं. सबसे पहले हम बटर को एक बाउल में लेंगे, माइक्रोवेव बाउल में लेंगे, और इसमें हम ये गार्लिक डालेंगे. आपका माइक्रोवेव जितने वॉट में उसके अकॉर्डिंग रखेंगे. अगर आपका ज़्यादा पावर का है तो आप उसको कुछ सेकेंड ही रखेंगे, बस ये देख लेंगे कि हमारा बटर मेल्ट हो गया है. चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स डालेंगे और इसको मिला लेंगे. ये हमने ये डोसा वाला पैन लिया हुआ है और इसमें बटर डाल दिया है नीचे. इसके बाद हम अपना यहाँ पे ब्रेड डालेंगे और इसके ऊपर ये जो हमने ये पेस्ट बनाया है इसके ऊपर चारों तरफ फैला देंगे. बहुत ही हल्के से चारों तरफ बटर फैलाएंगे. हम अपना ये जो चीज हमने ये ग्रेट करा हुआ है ऐसे डाल देंगे, इसको चारों तरफ अच्छे से डाल देंगे. जितना आपको चीज खाना हो उतना मर्जी खोल करके डालिए. इसके ऊपर हम थोड़ा सा अपना ये जो बटर वाला मिक्सचर है इसको थोड़ा सा डाल देंगे और इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा. इसके बाद हम किसी लिड से इसको ढक देंगे ताकि हमारा मोज़रेला मेल्ट हो जाए. इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए ऐसे ढके रहेंगे. देखिए चीज मेल्ट हो चुका. अब इसे सर्विंग डिश में हम डालेंगे. इसको हम ऐसे काट लेंगे बीच से. अब चीज गार्लिक टोस्ट इज रेडी. इसको मैंने मेयो के साथ सर्व किया है एज अ डिप. आप इसमें चाहे तो कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं. जो आपने ब्रेड में फ्लेवर दिया है सेम फ्लेवर आप इस मेयो में दे सकते हैं.